हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपको बताते हैं फिजिक्स का पार्ट टू भाग, जिसमें आपका टॉपिक है दर्पण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मिरर। देखिए, मिरर और दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अगर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं मिरर, तो मिरर को इंग्लिश में मतलब कि एक भाषा में बोला जाता है जिसे आप शीशा बोलते हो। तो मिरर आप सभी जानते हैं, जिसे शीशा कहते हैं, जिसे आप देखने मतलब कि अपना फेस या किसी भी चीज़ को देखने का प्रयोग करते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। मैं आपको पहले दर्पण के डिफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है। दर्पण कांच का एक गोला भाग होता है, जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि जो हमारा दर्पण होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस पे आप अपना फेस देखते हैं, जिसमें ठीक है आप अपने फेस को देख रहे हैं, वो जो दर्पण होता है वो एक साइड पॉलिश की हुई होती है। पॉलिश का मतलब सिल्वर कलर का उसका लेप लगा होता है, और दूसरी साइड जो होता है वो परावर्तक होता है। परावर्तक किस साइड होता है? जिस साइड से आप देखते हो। और पॉलिश किस साइड से लगा होता है? उसका पिछला भाग, ठीक है? तो उसे हम दर्पण कहते हैं, ठीक है? दर्पण हमारा वही होता है जो एक साइड लेप लगा होता है और दूसरी तरफ परावर्तक होता है। ओके, तो आप इस तरीके से डिफिनेशन आराम से आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि दर्पण के प्रकार की, कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा दर्पण होता है, ठीक है, उसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है? दर्पण के हमारे टू टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कह रहा है उत्तल दर्पण। फर्स्ट नंबर है हमारा उत्तल दर्पण। तो अब बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है? सेकंड नंबर भी जान लीजिए। सेकंड नंबर को बोलते हैं अवतल दर्पण। हमारा जो मिरर होता है वो टू टाइप्स होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है? लिख के चाहे मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? एक हमारा होता है उत्तल, ठीक है, और एक होता है अवतल, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे दो होते हैं, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। मैं आपको इस डायग्राम में ही बता रही हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप कैसे पहचानोगे। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको डिफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप अपने से डिफिनेशन भी बना के लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कोई खास डिफरेंट नहीं है, ठीक है? देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, वो अक्सर आगे का जो भाग होता है, ठीक है, जो परावर्तक होता है, जिसमें से आप देखते हो, ठीक है, जो परावर्तक भाग होता है वो क्या होता है, सामने का भाग निकला होता है। मतलब कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो आगे का भाग, मतलब कि सामने का भाग आगे का निकला होता है, और जो पिछला भाग होता है जिधर पॉलिश किया होता है वो अंदर की ओर, ठीक है, जो पिछला भाग होता है जिसमें आप पॉलिश करते हैं वो अंदर की ओर धंसा होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में, ठीक है? देखिए, आपको यहाँ पे डिफरेंट इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो दर्पण होता है बहुत सारे होते हैं। जैसा कि एक होता है गाड़ी में लगाने वाला, ठीक है, एक जिसमें से आप अपना फेस को मतलब अपनी बॉडी को देखते हो वो, ठीक है, और जो खिड़कियों में लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिरर होते हैं, तो हमें इसलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब कि जो आगे का भाग होता है, सामने का भाग होता है, फ्रंट का, वो आगे की ओर निकला होता है। जो पॉलिश किया हुआ भाग होता है अंदर की ओर धंसा होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, अवतल दर्पण के डिफिनेशन में आपको बताती हूँ। अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है। अवतल दर्पण में जो होता है, जो सामने का भाग होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, और जो पिछला भाग होता है वो आगे की ओर निकला होता है। सेम प्रोसेस उल्टा, ठीक है? तो ये हमारा उत्तल और अवतल दर्पण में डिफरेंट हुआ। बाकी तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि दर्पण किसे कहते हैं, जिसके एक ओर पॉलिश किया गया हो और एक ओर परावर्तक हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, दर्पण, ठीक है? तो आपको आसानी से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंट समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको डिफिनेशन बताती हूँ कि आप किस तरीके से डिफिनेशन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का लिख सकते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है,
मैंने आपको यही चीज डायग्राम में पहले से समझा दी है, उसे आप उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्तल दर्पण होते कहाँ कहाँ यूज होते हैं। उत्तल दर्पण का यूज, जैसे उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजे में करते हैं। पीछे आ रहे वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग घर की खिड़कियों में, घर के दरवाजे में यूज किया जाता है, और किसी कार या गाड़ी में, ठीक है, अन्य प्रकार की गाड़ियों में उत्तल दर्पण का ही शीशा का यूज किया जाता है, जिससे आप पीछे आने वाले गाड़ियों को देख सके आसानी से। ठीक है, तो वहाँ पे आप उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण वाले का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जो परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है। ठीक है, मतलब कि जिधर से आप देखते हो अपना फेस, उधर का जो भाग होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर उभरा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, दर्पण प्रकाश कब अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, यही कारण कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने, टार्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में और दांत की डॉक्टर द्वारा उपयोग में भी किए जाते हैं। किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग आप इस जगह पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दर्पण एंड दर्पण के प्रकार के बारे में अच्छे से बता दिया है। आपको समझ में आसानी से आ गया होगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, और उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, और कहाँ पे आप उत्तल का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो हमारी होगी थर्ड भाग। तो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी क्या पढ़ेंगे। तो गाइस, इंतजार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।